किसी को प्यार करना गुमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जरूरत जीवन को चेतन काटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमूला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमूला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमूला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। मैं सभी उपस्थित जनों को नमस्कार करता हूं और जी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई साहब का। मैं सीधे सीधे अपनी बात आपके सामने रखता हूं कि देखेगा कि पानी पे चलने के हुनर का लौट कर इतिहास आ जाएगा, कि पानी पे चलने के हुनर का लौट कर विश्वास इतिहास आ जाएगा, सिंहों के दांत गिनने का शिशुओं में विश्वास आ जाएगा, कि पानी पर चलने के हुनर का लौट कर इतिहास आ जाएगा, सिंहों के दांत गिनने का शिशुओं में विश्वास आ जाएगा, और फिर से कर पाएंगे हम परिभाषित भूगोल को और मुट्ठी में पूरा आकाश आ जाएगा। कि फिर से कर पाएंगे हम परिभाषित भूगोल को और मुट्ठी में पूरा आकाश आ जाएगा, और भारत बन जाएगा फिर से विश्वगुरु जब हर युवक के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा। कि जब हर युवक के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी की किताब जो मैंने पढ़ी, पूरे विश्व ने पढ़ी, और लाखों करोड़ों लोगों का जीवन जो है इस किताब ने बदल दिया। बड़े दिनों से मेरे पास थी, मैं पढ़ नहीं पाया था, मैंने अभी लेटेस्टली पढ़ी है। लेकिन मुझे एक और दर्द समझ आया कि अभी JNU कैंपस में जो है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के आसपास जो है ना जाने कितने किस तरह की बातें जो हैं वो लिखी गई, और उसके लिए मैंने चार लाइन पढ़ी है। ऐसा मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ इस तरह से राजनीति से संबंधित, लेकिन जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो मन में कुछ बात आती है, तो वो मैंने लिखने का प्रयास किया है कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है, कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है तो ये मंद हो, कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है तो ये मंद हो, हर रोग का उपचार हो, हर आपत्ति का प्रबंध हो। कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है तो ये मंद हो, हर रोग का उपचार हो, हर आपत्ति का प्रबंध हो, हर आपत्ति का प्रबंध हो, और यदि चाहते हो कि कायम रहे युवकों में देशभक्ति, तो सबसे पहले JNU जैसी यूनिवर्सिटियां बंद हो, तो सबसे पहले JNU जैसी यूनिवर्सिटियां बंद हो। और अब मैं उस विधा में पढ़ता हूँ जिस तरह की मैं गज़ल पढ़ता हूँ, कि जो मेरे दिल में है, देखिएगा भाई साहब, प्रवीण भाई साहब, कि जो मेरे दिल में है वही हो तेरे दिल में जज्बात, ये ज़रूरी तो नहीं। कि जो मेरे दिल में है वही हो तेरे दिल में जज्बात, ये ज़रूरी तो नहीं, तू भी समझे मैं भी समझूं हर एक बात, ये ज़रूरी तो नहीं। कि तू भी समझे मैं भी समझूं हर एक बात, ये ज़रूरी तो नहीं, और किसको क्या देना है ये जानता है वो खुदा।
कि किसको किसको क्या देना है ये जानता है वो खुदा, हर आंगन में हो हर रोज बरसात ये जरूरी तो नहीं। कि किसको क्या देना है ये जानता है वो खुदा, कि हर आंगन में हो हर रोज बरसात ये जरूरी तो नहीं। और आज सामने हूँ तो पूछ ले सवाल तमाम दिल के, कि आज सामने हूँ तो पूछ ले सवाल तमाम दिल के, कल भी मुमकिन हो मुलाकात ये ज़रूरी तो नहीं। कि कल भी मुमकिन हो मुलाकात ये ज़रूरी तो नहीं। और वो सच्चा है ईमान वाला है, कि वो सच्चा है ईमान वाला है तो उसे पीर मान लो, कि वो सच्चा है ईमान वाला है तो उसे पीर मान लो, हर कोई दिखाए तिलस्मात ये ज़रूरी तो नहीं। कि हर कोई दिखाए तिलस्मात ये ज़रूरी तो नहीं। और अपने अपने साथ लेकर जाना अपनी अपनी शराब, कि अपने अपने साथ लेकर जाना अपनी अपनी शराब, जन्नत में सारे हो इंतजामात ये ज़रूरी तो नहीं। कि जन्नत में सारे हो इंतजामात ये ज़रूरी तो नहीं। और ये शेर देखिएगा कि दर्द भी हम दवा भी हम बीमार भी हम, कि दर्द भी हम दवा भी हम बीमार भी हम, इश्क के खिलाफ भी हम इश्क के तरफदार भी हम। कि दर्द भी हम दवा भी हम बीमार भी हम, इश्क के खिलाफ भी हम इश्क के तरफदार भी हम। और किसको कह दें कि कोई और दहशत फैला रहा है, कि किसको कह दें कि कोई और दहशत फैला रहा है, जब हाथ भी हम और हथियार भी हम, जब हाथ भी हम और हथियार भी हम, इश्क के खिलाफ भी हम इश्क के तरफदार भी हम। और गरीब होना अपने आप में एक जुल्म है साहिब, के गरीब होना अपने आप में एक जुल्म है साहिब, मकतूल भी हम मुलजिम भी हम और गुनहगार भी हम, के मकतूल भी हम मुलजिम भी हम और गुनहगार भी हम। और लहू की खुशबू आ रही है वर्कों से तो एतराज़ कैसा, कि लहू की खुशबू आ रही है वर्कों से तो एतराज़ भी कैसा, जब खबर भी हम और अखबार भी हम। और जिस्म फरोशी का ये व्यापार बंद हो तो कैसे हो, कि जिस्म फरोशी का ये व्यापार बंद हो तो कैसे हो, जब दुकानदार भी हम खरीदार भी हम और बाजार भी हम, कि जब दुकानदार भी हम खरीदार भी हम और बाजार भी हम, दर्द भी हम दवा भी हम बीमार भी हम और इश्क के खिलाफ भी हम इश्क के तरफदार भी हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमुला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमुला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग, जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थी, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे 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 ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमुला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमुला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमुला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमुला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच सतमुला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा, मैंने भिन्न भिन्न
रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों का को इतना उदात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, तो प्रकट करें भी हम सभी को। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।